गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज हम लोग ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थर्ड नंबर लेक्चर पढ़ेंगे। हम लोग दो लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने दो केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। व्हाट वाज द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस में हम लोग बात कर रहे थे जब ड्रॉवर जो है ना मैच्योरिटी डेट तक बिल खुद के पास रिटेन करके रखता है, और सेकेंड केस था कि मान लीजिए जब हम लोग बिल डिस्काउंट करते हैं बैंक के साथ, तो उस केस में क्या होता है। वो दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम लोग केस ऑलरेडी, और हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया था। आज हम लोग जो है थर्ड केस डिस्कस करेंगे, विच इज एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि एंडोर्समेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी से लेके आप किसी और को कोई चीज दे रहे, दैट्स कॉल्ड एंडोर्समेंट। मैं आपको इस चार्ट से समझाऊंगा बेसिकली क्या है। मान लीजिए एक्स ने ना वाई को गुड सेल किया, तो एक्स वाई से पैसा पाता, तो एक्स ने वाई के नाम पे बिल बनाया, मान लीजिए 2 महीना का बिल बनाया, तो वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस एक्स को दे दिया। साथ ही साथ अब क्या हुआ कि Z नाम का एक बंदा है जो X से पैसा पाता है, तो X ने क्या किया ना, X ने Z को पैसे नहीं दिए, X ने क्या किया, अब X Y से पैसा पाता है, उससे बिल उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने पास रख लिया। अब X क्या करेगा, X उसी बिल को ना Y को दे देगा और बोलेगा कि देखो मेरे को तुमको पैसा देना था और मेरे को Y से पैसा लेना, तुम क्या करो, मैंने तुमको बिल दे दिया है, ड्यू डेट वाले दिन तुम डायरेक्ट जाके Y से पेमेंट ले लेना। तो यही कॉन्सेप्ट एंडोर्समेंट है। तो देखिए पहला केस क्या हुआ, X ने Y के नाम पे बिल बनाया, फिर उसके बाद Y ने बिल एक्सेप्ट करके X को दिया, X ने फिर क्या किया, X ने ना ये बिल जो है फाइनली किसको दे दिया, Z को। अब Z क्या करेगा, Z जो है बिल को कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक कि उसका ड्यू डेट नहीं आ जाए। तो जैसे ही X ने Y Z को बिल दिया ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंडोर्समेंट। यहां पे X को बोलेंगे एंडोर्सर और Z को बोलेंगे एंडोर्सी, ठीक है। अब जैसे ड्यू डेट आएगा, Z जाएगा किसके पास, Z जाएगा Y के पास और बोलेगा कि पैसा दे दो, ये रहा बिल, और फिर Y क्या करेगा, Y फाइनली Z को पेमेंट कर देगा बिल का। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, एंडोर्समेंट है, फाइन। तो इसमें जनरल एंट्री कैसे होती है, देखिए X और Y और Z तीनों के बुक्स में एंट्री कैसे होती है। जैसे मेरे एग्जांपल में X जो है वो ड्रॉवर है, Y जो है वो है ड्रॉई, और जो Z है वो है इंडोर्सी, ठीक है। यहाँ पे X ड्रॉवर भी है और इंडोर्सर भी है, फाइन। सबसे पहले जब X इंडोर्स करता है बिल Z को, ये वाला केस हो रहा है। मान लीजिए X ने Y से बिल साइन करवा लिया, एक्सेप्ट करवा के अपने पास रखा, और जब Z ने पैसा मांगा तो X ने ना वो बिल दे दिया Z को। जब इंडोर्समेंट हुआ तो X अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बुक्स में एंट्री करेगा Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। Y के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, और Z के बुक्स में क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं ना, सिक्वेंशियली पढ़ते हैं। जैसे ही X ना इंडोर्स करेगा बिल को Z के फेवर में, तो X पहले क्या एंट्री करेगा, Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जिस दिन Y पेमेंट कर देगा बिल का Z को, तो X को तो यहाँ पे मतलब ही नहीं, क्योंकि Y पेमेंट कर रहा है Z को, तो X के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। और जिस दिन X Z को बिल्स एंडोर्स करेगा, यहाँ पे Y पिक्चर में नहीं है, तो Y के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। और Z को सिंस बिल्स मिल रहा है, तो Z क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू X, क्योंकि उसको X से मिल रहा है। और फाइनली जब Y अमाउंट पे कर देगा बिल का किसको, Z को, तो X का कोई एंट्री नहीं है, तो X का भी एंट्री होगा, क्योंकि Y के बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बिल का पेमेंट कर रहा है कौन, Y। और Z के बुक्स में क्या एंट्री होगा, Z के बुक्स में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है, और क्या चीज का पैसा मिल रहा है, बिल्स का। क्लियर हो गया हम लोग को बहुत अच्छे से, फाइन। एक कलेक्शन कर लेते हैं, बिल्स पेबल नहीं होगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल होगा, तो बिल्स रिसीवेबल मैंने कर दिया। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, Y owed rupees 26,000 to X, मतलब X Y से 26,000 रुपए पाता था, ठीक है। 5th मार्च को ना he accepted the bill for 25,000 for 1 month drawn by X, मतलब X ने Y के ऊपर एक बिल बना दिया। X पाता कितना था, X पाता था 26,000 रुपए Y से, लेकिन X ने कितना रुपए का बिल बनाया Y के नाम पे, 25,000 रुपए का, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। मतलब कहने का मतलब 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया होगा, X allowed 1,000 रुपीज as discount। फिर उसके बाद क्या हुआ, X ने Y के नाम पे बिल तो बना दिया 25,000 रुपए का, और उसके बाद बिल उससे एक्सेप्ट करवा के अपने पास रख लिया। फिर X ने क्या किया, X endorsed the bill to his creditor Z immediately, और जैसे ही उसने बिल साइन करवाया Y से, X ने क्या किया, अपना क्रेडिटर जिसको उसको पैसा देना था उसको बिल endorse कर दिया। यहाँ पे Z क्या है, Z यहाँ पे endorse ही हो गया, और endorser X हो गया। The bill was duly met on the due date, passed the journal entries in the books of all the three parties। तो चलिए सबसे पहले हम लोग X के बुक्स में एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, X को क्या मिला, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल हुआ, कितना रुपए का बिल था, 25,000 का, जिसमें उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, 1,000 रुपया, और Y से वो कितना रुपया पाता था, 26,000 रुपया।
तो एंट्री हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आई अकाउंट, अमाउंट होगा 25,000 और 26,000। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, फाइन। 5th मार्च 2017 को क्या एंट्री करेंगे, ये कब एंट्री हो रहा है, जिस दिन इंडोर्समेंट हो रहा है। तो हम लोग इंडोर्स किसको करें, हम लोग एक से यहां पे इंडोर्स करें जेड को, तो एंट्री करेंगे जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट होगा 25,000। और नरेशन में हम लोग लिखेंगे बिल्स इंडोर्स टू जेड। अब यहां पे एक्स पिक्चर से चला गया क्योंकि उसको वाई से बिल मिला जिसको उसने किसको दे दिया, जेड को। अब पेमेंट हो रहा नहीं हो रहा बात का बात है, जिस टाइम पेमेंट हो रहा उस टाइम उसका कोई भी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग वाई के बुक्स में एंट्री करेंगे। सबसे पहले वाई के बुक्स में 5th मार्च को एंट्री करेंगे, किस बात का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अकाउंट डेबिट करेंगे 26,000 रुपए, बिल्स पेबल अकाउंट 25,000 क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव 1,000। क्योंकि मेरे को किसको पैसा देना, मेरे को पैसा देना एक्स को, क्या चीज का, बिल्स पेबल का, और हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है 1,000 रुपए का, ये एंट्री कर दिए। नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद जिस दिन ड्यू डेट आएगा, क्योंकि हम लोग जो बिल बना रहे कितना महीने का बना रहे, 1 मंथ, तो इसका मतलब कि 5th मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा, अप्रैल आएगा, 5 में 3 दिन ग्रेस का ऐड कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 अप्रैल को एंट्री क्या होगा, जो पेमेंट हो रहा है, हम लोग पेमेंट क्या चीज का कर रहे हैं, बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और क्या दे रहे हैं, बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 25,000। और नरेशन लिखेंगे बिल मेट ऑन मेच्योरिटी, फाइन। अब देखिए जेड जो कि इंदौरसी है उसके बुक्स में क्या एंट्री होगा, सबसे पहले क्या होगा, उसको बिल मिलेगा एक्स से, तो 5th मार्च को एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना रुपए का बिल, 25,000 का, ठीक है। आप नरेशन में लिख दीजिएगा बिल्स रिसीव फ्रॉम एक्स। और उसके बाद 8 अप्रैल 2017 को जिस दिन जेड को पैसा मिला वाई से, एक्चुअली पैसा मिला क्या चीज का, मिला उसको बिल्स का, तो एंट्री कर देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। नरेशन लिख देगा द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये इलस्ट्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह चलते हैं, एंडोर्समेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको एक दो एग्जांपल और दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह चलते हैं जो कि है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। देखिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन का बहुत ही सिंपल रूल है। मान लीजिए कि मैं एक्स हूं आप वाई हो, मेरे को आपसे पैसा लेना, मैंने आपको बिल बनाया आपके ऊपर, आपसे बिल एक्सेप्ट करवा लिया, साइन करा के अपने पास रख लिया। अब हो सकता है कि मैंने उस बिल को ना ड्यू डेट तक अपने पास ही रखा, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत बिजी इंसान हूं, तो मैंने क्या किया ना उस बिल को बैंक की तरफ भेज दिया, क्योंकि बैंक वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देता है। मैंने बैंक को बिल भिजवा दिया और बैंक को बोला कि जिस दिन ड्यू डेट होगा तुम जाके जो वाई है उससे पैसा ले आना, पैसा ला के मेरे को इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं एंट्री पास कर लूं। ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन है। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एक्स ने क्या किया वाई के नाम पे बिल बनाया, फिर क्या वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, उसके बाद एक्स ने किसको बिल दे दिया, वापस बैंक को दे दिया। अब बैंक ने क्या किया, वाई के पास गया, बैंक ने पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद बैंक ने क्या कर दिया, एक्स को पेमेंट कर दिया, फिर इन्फॉर्म कर दिया, बात एक ही है। तो ये पूरा बिल सेंड फॉर कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें दो ही जर्नल एंट्री होती है बेसिकली, क्या जब आप अपने बैंक को ना बिल भेज रहे हो फॉर कलेक्शन, तो उस दिन एंट्री करेंगे आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और जिस दिन बैंक पैसा कलेक्ट कर लेगा वाई से, तो उस दिन आपको बैंक इन्फॉर्म करेगा, जब बैंक से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि उसने पैसा रिसीव कर लिया, उस दिन आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, ऑन 1st October 2016 एक्स सेल्स गुड्स टू वाई फॉर ₹8,000। 1 अक्टूबर 2016 को एक्स ने गुड्स किसको सेल किया, वाई को, कितना रुपया में, 8,000 रुपया में, फाइन। On that day, Y accepts the bill for 2 months. मतलब Y ने bill accept कर लिया और 2 महीना के ऊपर bill बना हुआ है। X retains the bill till the due date and on the due date sends the bill to the banker for collection. अब क्या हुआ? X ने Y को bill दे दिया, bill draw किया, 2 months का bill draw किया, Y ने accept किया, sign करके वापस X को भेज दिया। X ने उस bill को कब तक retain करके रखा हुआ है? Due date वाले दिन। जैसे ही due date आया उसने क्या कर दिया? उस bill को अपने banker के पास भेज दिया, bank के पास भेज दिया for collection. Fine. In due course, X receives the information from the bank that the bill has been duly made, pass entries in the books of XFI. Right? और bank ने जिस दिन collection कर दिया, उस दिन bank ने inform कर दिया X को कि भैया आपका payment receive हो चुका है, तो अपने को X और Y के books में entries pass करनी है। तो चलिए पहले X के books में entry देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को सबसे पहले entry क्या होगा? Since हम लोगों ने Y को goods sell किया, तो Y account debit to sales account 8,000 कर देंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर को वापस से जब हम लोगों ने बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया और जिस दिन वाई ने बिल एक्सेप्ट किया, तो उस दिन एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 8,000।
उसके बाद 4 दिसंबर को जिस दिन ड्यू डेट है, क्योंकि देखिए अक्टूबर के बाद 2 महीने का बिल है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का महीना, और सिंस 1 तारीख को हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किया तो 1 में 3 दिन ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, तो देखिए 4 तारीख को आपका ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट वाले दिन हम लोग अपने बैंकर के पास बिल सेंड करें फॉर कलेक्शन, तो एंट्री क्या होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000 8000। और उसी दिन बैंक ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया कि भैया आपका पेमेंट हो गया, हम लोगों ने पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो उस दिन एक्स अपने बुक्स को क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 8000 8000। फाइन, अब वाई के बुक्स पे कैसे एंट्रीज होगा, देखिए सबसे पहले सिंस एक्स ने वाई को गुड सेल किया तो नेचुरल सा बात है वाई ने परचेज किया होगा, तो 1 अक्टूबर को वाई क्या एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 8000 8000। फिर उसके बाद वाई क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, किसका बिल, एक्स का, तो एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि उसको बिल का पेमेंट करना है, और फाइनली 4 अक्टूबर को वो बिल का पेमेंट कर देगा जो कि ड्यू डेट है, तो वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8000 8000। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा गाइस, और भी आपके कोई भी रिलेटेड डाउट हो गए इस कॉन्सेप्ट से तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, इस पर्टिकुलर सम्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा और भी सम्स दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।